हाँ जी स्टूडेंट बस ये आखिरी कॉल है क्या करना चाहेंगे हाय हाय सर जी सर हाँ सर मैं इंडिया से ले ले हाँ हाँ बोलो हाँ सर मैं इंडिया से वेस्ट बंगाल से बोलियो और मेरा हिंदी थोड़ा वीक है मैं हिंदी ज्यादा नहीं जानती हूँ पर आप समझ लेना मेरा बात को ओके okay. हाँ सर मैं धर्म छोड़ चुका हूँ हाँ सर आज नहीं मिनिमम पांच साल आगे से मैं धर्म छोड़ चुका चुका हूँ पर मैं गॉड को खुदा से बिलीव करती हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया को या दुनिया को बनाने वाला कोई है क्रिएटर कोई है।, है।, है पर मेरा खुदा को कोई कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है मतलब वो इस्लाम का भी नहीं है कोई भी क्रिस्टनिटी या हिंदुजम के नहीं है और मैं एक स्टूडेंट होकर बात करना चाहती हूँ हजरत मोहम्मद की जो बायोग्राफी है जो है जो भी है तो आप उसको हजरत मोहम्मद को क्रिटिसाइज करते हैं आज के पॉइंट से मॉडर्न लॉजिक पॉइंट व्यू से आप क्रिटिसाइज कर करते हैं तो आप उस टाइम में जो हजरत मोहम्मद की टाइम पे आप उस टाइम में व्यू में उसका कितने कारनामा क्रिटिसाइज कर सकते हैं आई थिंक ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने हिसाब से वो उस हिसाब से वो ठीक थे आई मीन इट्स नॉट

नहीं, आपको पता है। नहीं 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 तो लेकिन नहीं इस्लाम में भाई कुरान के अंदर लिखा हुआ ना औरतें हाँ काम कर सकती ना और नहीं, नहीं उस टाइम पे वो जो रूल्स बनाए वो उसी, उसी से लागू होती है और तो उस टाइम बनेंगे ना ओ हो भाई तो कुरान से रूल्स निकलेंगे ना हदीसों से रूल्स निकलेंगे ना कुरान में लिखा हुआ कि औरतें औरतें हल्की आवाज में बात करें

से, मैं बिजनेस मैं मैं की बात करनी होगी हूँ आपने मुझे कहा ना काम करने की बात है आपने मुझे कहा असूल बताए मैं आपसे असूल की बात कर रहा हूँ उन्होंने बड़े अच्छे रूल्स दिए मैं आपको एक सिंपल सा मैंने रूल उठाया उस जमाने की औरतें कारोबार करती थी इस्लाम से पहले अल्लाह रसूल अल्लाह के आने के बाद औरतों की जो पावरमेंट थी इंपावरमेंट थी वो खत्म हो गई उनके पास वो अब काम नहीं करती थी उस तरह जिस तरह पहले करती थी मुझे कोई एग्जांपल दें कौन सी औरतें काम करती थी

सर मैंने दोबारा सोचे दोबारा सोचे इस बात को जो मैंने आपसे पूछा आपने कह दिया हजरत आयशा जंग करती थी चलो मैंने मान लिया से ज्यादा करती नहीं होती थी हजरत आयशा का स्पेशल प्लेस था और उसके बाद भी जो उनका हुआ तो हो गया मैंने आपसे एक वो लेकिन अगर आपने यही बेंच मार्क बनाना है तो इसका मतलब काफरों की औरतें भी करती थी जंगे वो भी जंगों में जाती थी भदरोहद में आई थी वो भी अच्छा तो ये तो बराबर हो गया इसका मतलब ये इवन हो गया ठीक है बराबर का मामला हो गया अब मैंने आपको बताया हज़रत जो थी वो बिजनेस करती थी मुझे बताएं कौन सी मुसलमान औरतें बिजनेस करती थी? मुझे हाँ, के थी के के टाइम पे पे आप कह हाँ रही सर वो खाली जाए, जाए, जाए बिजनेस करते तो उसके बाद कोई लड़की नहीं है मुझे कहा गए बात करती हूँ और एक बात करती हूँ मैं आपको कि नोबी से पहले बहुत सारे कबीले थे उसके अपने अपने रूल्स थे अपने अपने रेगुलेशन थे बहुत सारे कबीले में लड़की को अच्छे राइट्स अच्छे रेस्पेक्ट मिलते थे और बहुत सारे कबीले को लड़की का अच्छा राइट्स भी नहीं मिलते उसको इससे बाली में गड़ा भी जाते थे ये आपकी कहानी है कोई इसकी, इसका कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है ये आप मुसलमानों की घड़ी हुई कहानी है मुझे मैं बताता हूँ ना आपको अगर वो दफनाते थे तो हजरत खुदीजा कहाँ से ज़मीन में निकल आएंगे हजरत अबू बकर एक... हज़रत अबू बकर की बीवी नहीं तो अगर वो दफना देते थे तो ये औरतें कहा से आ रही सर मेरा बात कर सकते में की एक ही कबिलत थे जो मोहम्मद जो से थे बहुत सारी थे तो अपने अपने रूल्स अपने अपने रेगुलेशन को फॉलो करते अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते थे अपने अपनी जो प्रथा है जो नियम है लॉ है वो फॉलो करते थे तो आप नोबी की जो खादी जाए उसको कह सकते कि लड़की बहुत अच्छे है बहुत बड़ा है पर आप दूसरे कबीले को देखेंगे तो वो लड़की को ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा नहीं थे

जो बाकी उम्मे किरफा थी यहूदियों की औरतें थी वो जंगों में भी जाती थी वो अपना बिजनेस भी करती थी सारी औरतें अपना काम भी करती थी आपके रसूल ने तो आके औरत को बिल्कुल ट्रक के नीचे उसको बंद कर दिया निकाब पे ना आ दी उनके तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं आता चले और मिसर, मिसर के एक राइटर है ओमेन राइटर मुझे याद नहीं है पर उसका एक ओमेन इन इस्लाम में एक हिस्ट्री का बुक है मैंने पढ़ा है जो मोहम्मद जो जो आपने कहा कि उस टाइम पे वो फॉलो करते थे हंड्रेड परसेंट फॉलो करते थे जो लड़की भी घर से नहीं बाहर आती थी वो बुरखा में था वो मैंने आप कह रही थी तो मैंने पढ़ा है वो उस टाइम पे उतना फॉलो नहीं कर सकती करा जा सकता करता था उस टाइम में वो थोड़े 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 जब खलीफा हुआ थोड़े थोड़े इम्प्लीमेंट हुआ और ज्यादा आरोप सख्स हो, हो, होने लगा है होने लगता है, लगने लगा है पर नबी के टाइम इतना इतना कठोर हार्ड नहीं फॉलो कर सकते होगा लेकिन नबी ने थे, तो ठीक हाँ, नहीं हुआ था, नहीं दे दिया। तो होना ही था ना यानी आज मैं अगर कानून बना दू की आपने गाड़ी तेज नहीं चलानी तो लोग तेज चलाते हैं क्योंकि मेरे पास स्पीड लेकिन कभी तो स्पीड आएगी तो फिर इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा ना तो गंद तो फिर रसूल अल्लाह ने किया मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ